देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर अपन ने थर्ड तक कर लिया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये है, प्रूफ करना है कि बीसी इक्वल टू दिस होना चाहिए। मैंने एलएचएस लिख दिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स आता है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, एक बार देखेंगे। और ये क्या आ रहा है, टैन इनवर्स आ रहा है। देखिए एक काम तो ये है कि अपन इसको tan inverse में चेंज करते हैं, इसको भी tan inverse में चेंज करते हैं, फिर tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला, फिर tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला करते हैं, क्योंकि आंसर tan inverse में आता है। एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है कि अपन पहले sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला लें, फिर उसके बाद वापस उसको क्या कर दें, tan inverse में चेंज कर दें। लेकिन सिंपल काम क्या होगा जिसमें फॉर्मूले में रूट नहीं है। देखिए यहाँ इस फॉर्मूले में अगर आप sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला करोगे तो उसमें रूट की वैल्यू चाहिए। बात को समझ लो, रूट की वैल्यू को सोल्व करोगे स्क्वायर में तो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा, करने को तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसको tan inverse में चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपन यहाँ से बेस निकाल लेंगे, tan inverse में चल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस में चल जाएगा। लेकिन सिस्टमेटिक करेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे, लेट करेंगे अपन sin inverse 8 अपॉन 17 को थीटा जून कर लेंगे, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन 17। ऐसे अपन इसको लेट कर लेंगे साइन वर्स, इसको फाइव लेट कर लेंगे तो साइन फाइव की वैल्यू 3 अपॉन 5। देखिए अपन ने टाइम लिया, 8 हो गया 17 या 15 आएगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जब अपन एक ट्रायंगल लिया, ये आपका 3 होगा, 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अपना एलएचएस जो है वो क्या हो जाएगा, tan inverse, इसको tan inverse में चेंज करेंगे 8 अपॉन 15 और इसको चेंज करेंगे tan inverse 3/4। दोनों को tan inverse में चेंज कर दिया। अब tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। यहां से 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 60 एलसीएम आएगा, नीचे भी 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एलसीएम। आपको काटना नहीं है, इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल क्यों नहीं करना है, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम ऊपर वाले एलसीएम से नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अगर आप बात करें, यहाँ अगर आप बात करें तो tan inverse देखिए 60 एलसीएम आएगा तो 4 32 प्लस और ये 45, नीचे भी कुछ 60 माइनस 24 और 60 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 77 36। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आरएचएस हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, cos inverse 4/5, cos inverse 12/5, prove that cos inverse 4/5, cos inverse 12/13 equal to cos inverse 33/65। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को
हां देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे एलएचएस लेंगे आप cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13 ये क्वेश्चन है इस एलएचएस में ये cos इनवर्स आ रहा है ये भी cos इनवर्स आ रहा है आरएचएस में cos इनवर्स आ रहा है किसी को किसी में भी चेंज करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का तो यहां पे क्या होता है क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर ये फार्मूला होगा इसको अपन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी क्या वैल्यू आएगी वो देखिएगा cos इनवर्स सॉल्व करने का तरीका देखिए 12 4 14 48/65 अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर हाँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना है 16 16/25 25 को माइनस 25 माइनस 16 9 9/25 कितना आएगा 3/5 यहाँ पे 169 माइनस 144 25 को 169 5/13 ठीक है हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 में ऐसे मिल लेता हूँ ठीक है पता है और लेकिन कितना आएगा 33/65 ये फिर आपका आरएचएस ये समझ में आ गया और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें देखिए प्रूफ करना है मिले cos इनवर्स 6/5 sin इनवर्स 3/5 7 8 2 रुपया दे दे तो 56/65 अब देखिए ये cos इनवर्स में ये साइन इनवर्स में ये साइन इनवर्स में है तो अपन एक काम कर सकते हैं इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा आंसर आ जाएगा तो यहां अगर बात करें अपन तो एलएचएस लेके चलते हैं एलएचएस है cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 वैसे डायरेक्ट साइन इनवर्स में चेंज भी कर सकते हैं आपको पता है ये होता है बेस पर हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज 5/13 आ जाएगा अपन ये लेट करेंगे इसको लेट कर लेते हैं cos इनवर्स 12/13 जो थीटा cos थीटा कितना आएगा 12/13 आपको पता है ये ट्रायंगल आ गया ये ट्रायंगल आ गया है अंदर थीटा आ गया है ये 12 आ गया ये 13 तो 5 बच गया ये 90 डिग्री का यहां से अपने एनएचएस क्या हो जाएगी एनएचएस sin इनवर्स 5/13 प्लस आगे क्या आएगा sin इनवर्स 3/5 अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या आगे इसको सॉल्व कर सकते हो क्या यस और नो में कमेंट करो
ओके आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। टेन इनवर्स 60 upon 60। इसका आरएचएस लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को, साइन वर्स 5/13 प्लस कोसिन वर्स 3/5। दो आगे साइन और कोस में, ये साइन में है, ये कोस में है, साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, लेकिन ये किसमें है, टेन इनवर्स में। तो आपको पता है जब टेन इनवर्स दिख जाए तो आप टेन इनवर्स में ही चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि कैलकुलेशन से इजी होगी थोड़ी। तो अपन क्या करेंगे, इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, इसको टेन इनवर्स में, सब लोग जानते हो, इसको लेग करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को कितना लेग करेंगे, थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 5/13। ऐसे ही अपन इसको लेग करेंगे, डी बाई फाइव को 5, कॉस 5 की वैल्यू 3/5। यहाँ ट्राइंगल, ये बन गया थीटा, ये 5, ये 13, ये 12 आ गया, और ये क्या बन जाएगा, 5, ये 90 डिग्री, ये 3, ये 5, ये 4। आपका आरएचएस क्या आ जाएगा, सर टेन इनवर्स 5/12, आगे टेन इनवर्स 4/3। अब किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एनएचएस आ जाएगी। इसके आगे आप लोग सोल्व कर सकते हो, मैं ही बताऊंगा, आप ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें। जो क्वेश्चन में अनकंप्लीट करा रहा हूँ, तो कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कॉपी में खाली जगह नहीं छोड़नी है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या आएगा, 1/5, 1/7, 1/3। रूट का टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/8। ये क्वेश्चन है, इक्वल टू पाई बाई फोर लाना है, पाई बाई फोर लाना है। देखिए एनएचएस लेके चले जाओ तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/7, फिर टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/8। हाँ, इस यहाँ पे टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला, यहाँ पे टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y। बात को समझ लो, फिर यहाँ पे देखिए सोल्व करने के बाद टेन वर्स की वैल्यू आई है, इसको सोल्व करने के बाद भी टेन वर्स मिल गए, यहाँ पे क्या है, टेन वर्स
35 एलसीएम आएगा या लेना 7 प्लस 5, 35 माइनस 1 अपॉन 35, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 24, कितना आएगा 24 एलसीएम आएगा, 24 नीचे 24 ऊपर एलसीएम आएगा, यहाँ पे 8 प्लस 3 और यहाँ पे 24 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे टेन इनवर्स ये कितना हो गया एलसीएम से एलसीएम कैंसिल 12 अपॉन 34, ये कितना 10 इनवर्स 11 अपॉन 23, इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं 10 इनवर्स 6 अपॉन 17 और 10 इनवर्स 11 अपॉन 23, ये कभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी लास्ट में वैल्यू ये आएगी 10 इनवर्स 1, और 1 कौन सी वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 के, कैसे लिखोगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिखोगे, इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 पाई बाई 4, 10 से 10 इनवर्स का हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या है पाई बाई 4, आपको सोल्व करना है इसके आगे और पाई बाई 4 वैल्यू आनी चाहिए, या सोलो में कमेंट करो इसके आगे कर सकते हो क्या आप लोग। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें प्रूफ करना है that tan inverse root x equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x square 1 minus x upon 1 plus x हाँ कौन बताएगा इसमें क्या कहेगा। पहले तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन बनना चाहिए एनएचएस को सोल्व करेंगे या फिर आरएचएस को सोल्व करेंगे, बताइए किसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए आरएचएस को, ठीक है आरएचएस थोड़ा बड़ी वैल्यू है, देखिए एक का आंसर आया है श्याम प्रताप का आंसर है और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं है आपका। x की जगह 10 लिखेंगे, अच्छा और x की जगह 10 लिखने से क्या फायदा होगा देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, उससे क्या फायदा होगा देखिए थोड़ा सा अगर अपन लॉजिकली सोचे 10 स्क्वायर x लिखेंगे, वेरी गुड, देखिए अगर अपन इसकी बात करें अगर मान लो मैं इसको थीटा लेता हूँ एक बार के लिए तो ये उधर जाएगा टेन थीटा आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10 स्क्वायर, देखिए इतना तो अपन दिमाग नहीं लगा सकते इतनी चीज तो नहीं लगा सकते कि आप इसको थीटा मान लो, वैसे अपन आपको पता है जनरली अपन क्या करते हैं टेन वर्स रूट एक्स को क्या अज्यूम करते हैं थीटा अज्यूम करते हैं, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आती है 10 थीटा, एक्स की वैल्यू 10 करते हैं, देखिए उल्टा हो गया है यहाँ पे, एक्चुअली अपन ऐसा नहीं करेंगे अपन आगे अच्छे से लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अपन सोचे आपको पता है कि यहाँ पे अगर cos बन जाए यहाँ पे क्या बन जाए इसके अंदर अगर cos बन जाए तो cos से cos में क्या हो जाएगा कट जाएगा, पहली चीज ये है। अब cos कैसे बने देखिए अगर मैं x की वैल्यू cos थीटा रख दूं तो 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos, cos को 1 से एनर्जी होती है तो 2 sin स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा 10 स्क्वायर आएगा, 10 स्क्वायर cos इनवर्स से नहीं कटेगा, पहली चीज तो ये होगी गलत हो गया, साइन कह नहीं सकते क्योंकि साइन को वन से एनर्जी नहीं होती है, एक काम कर सकते हैं एक्स की वैल्यू 10 स्क्वायर रख दो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक फार्मूला बनता है और वो किसका हो रहा है cos 2 थीटा का, तो मैं क्या पुट कर रहा हूं मैं सबसे पहले आरएचएस लेके चल रहा हूं, आरएचएस लेके चलता हूं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू 10 स्क्वायर दिया तो यहाँ से 10 बाय 2 कितनी आ जाएगी रूट एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स रूट में एक्स आ गया,
रूट में क्या आ गया x आ गया। अब देखिए जब आप RHS लिखोगे यहाँ पर तो 1/2 cos 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। और cos से cos देखिए cos से cos इनवर्स कट गया है, cos से cos इनवर्स कटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आया, cos से cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स √x, ये जो RHS क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा आपने पहले इस पर कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका टेन वाला है, लेकिन मैं टेन के RHS ही लिखा क्योंकि RHS इसकी बहुत बड़ी है। cos इनवर्स रूट में 1 + sin x, फिर आपका माइनस है 1 - sin x, चेक करना पड़ेगा ऊपर माइनस है प्लस है, ऊपर माइनस है नहीं प्लस है, और नीचे 1 + sin x और माइनस 1 - sin x। बताइए किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर cos होता, अगर cos होता तो cos को तो 1 से एनर्जी होगी, यहाँ पर sin आ रहा है तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, रूट के अंदर आइडेंटिटी बनाएंगे। सही बात है, रूट के अंदर आइडेंटिटी बना सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। देखिए इस डिनोमिनेटर का, इस डिनोमिनेटर का आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो आइडेंटिटी बना सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी का क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया इसलिए अपन आइडेंटिटी ही बनाएंगे। आइडेंटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा अभी एक दो स्टेप बाद में समझ में आएगा वो चीज। देखिए हाँ आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, cot इनवर्स इस 1 को लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर x / 2 + sin स्क्वायर x / 2। देखिए 1 को पहले cos स्क्वायर x + sin दोनों का आइडियल sin x / 2 x / 2, ऐसा क्यों किया क्योंकि जो sin x है वहां पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा इन sin x / 2 cos x / 2, बात समझ में आई होगी। इसको ब्रेक करने की वजह से ही ये आइडेंटिटी लगी, अगर मान लो यहां पे x होता तो मैं यहां कर लेता cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x लेता। पहली चीज यहां पे भी आगे भी कुछ ऐसे ही होगा cos स्क्वायर x / 2 + sin स्क्वायर x / 2 और माइनस 2 cos x / 2 एंड sin x / 2, बात को समझ रहे हो, नीचे भी कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, नीचे भी कुछ इस तरीके का होगा cos स्क्वायर x / 2 + sin स्क्वायर x / 2 + 2 sin या 2 cos x / 2 जो भी 2 cos x / 2 and sin x / 2, यहाँ पे minus cos स्क्वायर x / 2 + sin स्क्वायर x / 2 minus 2 cos x / 2 sin x / 2,
ये आपके पास आ गया है cos x by 2 and sin x by 2। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे अपन sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर अपन cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, दोनों इनमें एक ही चीज ले सकते हैं। लेकिन अपन फिर भी क्या चीज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे नीचे क्या आएगा cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा फॉर्मूला, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा sin x by 2 plus cos x by 2 sin x by 2 minus cos, ये भी हो सकता था। लेकिन बाहर कोण इनवर्स को ध्यान में रखते हुए आपको RHS में तो x by 2 ना RHS में क्या नाम है x है, RHS के बाद आपको x by 2 भी ना है। कहने का मतलब क्या हो, मैं ऐसा लिख दूं तो देखिए इससे क्या फायदा होगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे cos x by 2 प्लस में है यानी प्लस में 2 cos x by 2 आएगा, sin x by 2 से sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin sin 2 sin 2 से 2 कैंसिल, cos upon sin is 4 ना होता है, cos upon sin क्या होगा 4 होगा, और बाहर क्या है cot inverse। बात को समझ लो, अगर आप उल्टा कर देते sin x by 2 cos x by 2 sin x by 2 cos x by 2 तो अंदर आता है 10 x by 2 और बाहर क्या है cot inverse, according to RHS आपका x by 2 आंसर नहीं आता। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सब ऐसा लिख दूँ मैं, मान लीजिए मैंने लिखा मेरे ये आंसर आ गया 10 x by 2 और सब में इसको चेंज भी तो कर सकता हूँ cot pi by 2 minus x by 2 बिल्कुल कर सकता, नो प्रॉब्लम, cot से cot inverse कर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको प्रूफ करना है, आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है इसलिए प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो प्रूफ वही आना चाहिए जो आपके दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। एक बार यस और नो में कमेंट करें कि अपन ऐसा क्यों लिखा है, इसका उल्टा क्यों नहीं लिखा है, समझ में आया होगा ये चीज। हाँ तो रूट हट गया है, cos x by 2 cos x by 2 2 cos x by 2 आएगा और नीचे 2 sin x by 2 आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ये cot inverse cot x by 2 और cot से cot inverse है यहां x by 2, यही क्या आ गया आपका RHS। तो ये क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी आपके पास क्वेश्चन है 11 नंबर का, रूट है टेन इनवर्स, RHS लिख देता हूँ मैं, RHS को अपन लिख देंगे एक बार, क्या नाम है
inverse. 1 plus x minus 1 minus x upon 1 plus x or plus 1 minus x. और आपको जो RHS में लाना है वो भी क्या लाना है, pi by 4 minus ऐसे कुछ लाना है, 1 by 2 cos inverse ये लाना है आपको RHS में, ये लाना है ठीक है। देखिए आपको इसको सोल्व करना है अंदर वाले, इसको सोल्व करेंगे बाहर tan inverse है यानी कि tan आना चाहिए अंदर, तो बताइए क्या x की वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स क्या पुट कर सकते हैं आप, कॉस। देखिए इसमें हिंट भी दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि आप कॉस टू थीटा रख सकते हैं, अगर मान लो हिंट नहीं दिया हुआ होता, अगर मान लो हिंट नहीं दिया हुआ होता तो अपन क्या रखते, वही रखते कॉस टू थीटा, उसका रीजन देखिएगा वो क्यों रख रहे हैं विदाउट हिंट, वो क्यों रख रहे हैं। देखो आप मेरे को ऐसे बताओ, ये तो पता चल गया x की वैल्यू आप कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो रखते हैं जिससे रूट सॉल्व हो जाए। देखिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 10 रखता हूं तो 1 + 10 कोई फार्मूला नहीं होता है, 10 स्क्वायर रखो 1 plus 10 square set square 1 plus 10 square set square problem कहाँ पे है, यहाँ पे 1 minus 10 square कोई formula नहीं होता, 10 square नहीं रख सकते, जब 10 square भी नहीं रख सकते तो cot square भी नहीं रख सकते, बात आती है sin square की, 1 minus sin square 1 minus sin square यहाँ तक कोई problem नहीं होती, लेकिन 1 plus sin square formula नहीं होता है, sin square नहीं रखोगे तो cos square से भी नहीं बनेगा, square वाली value तो वैसे ही खत्म हो गई, tan cot वैसे नहीं आया, बात आती है साइन कॉस में, अगर मान लीजिए आपने साइन रख दिया तो 1 प्लस साइन, साइन के साथ 1 नहीं हो, साइन को 1 से कोई दिक्कत ही नहीं होती है तो फिर सोल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने कॉस रख दिया तो कॉस को 1 से क्या होती है एनर्जी, ये बात समझ में आगे होगी, कॉस रखने से क्या फायदा होगा, एनर्जी होगी कॉस को 1 से रूट सोल्व हो जाएगा, और आपको ये भी पता है यहाँ पे क्या चल रहा है cos inverse, ये 1 by 2 इसलिए आया है, x की वैल्यू cos थीटा नहीं रखेंगे cos 2 थीटा रखेंगे, हिंट में भी ये दिया हुआ है अपन भी वही रखेंगे, क्यों रखेंगे वो मैंने सब चीज आपको समझा दिया बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे अपन लेट करेंगे x की वैल्यू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू 2 टाइप पर निकल आएगा, यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू cos inverse x, थीटा की वैल्यू 1 by 2 cos inverse x, यहाँ रखेंगे LHS के अंदर tan inverse क्या हो जाएगा 1 plus cos 2 theta और 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta plus 1 minus cos 2 theta, आपको बताया 1 plus cos है तो 2 cos square में चेंज होगा tan inverse, यहाँ से क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 plus cos को ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा और इसको 2 sin स्क्वायर थीटा, आपको पता चल जाएगा कि रूट टू रूट टू, ऊपर रूट टू कॉमन आ रहा है नीचे भी रूट टू कॉमन आ रहा है, रूट टू रूट टू कॉमन से कॉमन का कट जाएगा, क्या बचेगा tan inverse cos स्क्वायर का रूट cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, अब इसके आगे तो आप कर ही लोगे, बताइए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बाय cos, cos से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, बहुत बार बता दिया है ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे tan inverse, इसको cos से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे tan आएगा, यहां पे 1, इसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे
वन को क्या कहते हैं, टेन पाई बाई फोर, क्या आएगा जवाब इस फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन। इस वन को कुछ नहीं लिखते हैं और फॉर्मूला सेट करने के लिए इस टेन थीटा की जगह टेन टेन थीटा के साथ टेन पाई बाई फोर लिखते हैं। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, ये फॉर्मूला बन गया है इसका tan a माइनस b का। अब देखिए tan से tan माइनस गया, पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 1 बाई 2 cos प्लस x और दिस इज द आरएचएस। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, और अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 16 17 ट्राई करेंगे, हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। 15 16 17 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब आ जाएगी एग्जांपल नंबर, अगर अपन बात करें मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 9, एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो, क्या कर सकते हो क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उनको देखो, सभी एग्जाम्पल्स 9 को देखो एक बार, 10 को, 11 नंबर एग्जाम्पल एंड 13 नंबर का एग्जाम्पल। वैसे एग्जाम्पल तो सारे कर सकते हो, एक 12 नंबर का एग्जाम्पल में दिक्कत आ सकती है, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग कर सकते हो क्या, यस और नो में कमेंट करें। कर लिए यस सर, ओके। तो मैं कल इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चन बच के उनको करूंगा और जो एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है उसको बताऊंगा। आप कल के बाद में आप इस कॉपी में काम कर लें कंप्लीट, ठीक है, बढ़िया तरीके से जमा लें। आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you so much.